इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग को 10 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन युद्ध अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त इसराइल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन इस युद्ध के बीच मिस्र भी चर्चा में आ गया है। बता दें, मिस्र इसराइल और गाजा फिलिस्तीन क्षेत्र की वो छोटी सी पट्टी है जहां से हमास हमले कर रहा है। मिस्र दोनों देशों की सीमा से सटा पड़ोसी देश है और मिस्र के संबंध दोनों देशों से अच्छे रहे हैं। ऐसे में इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में मिस्र का एक बड़ा रोल बताया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं मिस्र इस युद्ध में कैसे चर्चा का विषय बन गया। सबसे पहले आपको बताते हैं इन दोनों देशों के बीच मिस्र की चर्चा क्यों हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को ठीक करने में मिस्र संतुलन बनाने का काम करता है, तो वहीं दूसरी ओर मिस्र खुले तौर पर फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फिलिस्तीन की आत्मनिर्णय की मांग के पीछे एक केंद्रीय अरब और इस्लामिक कारण है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से मिस्र गाजा के ज्यादा करीब है। ऐसे में गाजा में किसी भी तरह का तनाव पैदा होने पर मिस्र के राष्ट्रीय हितों पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मिस्र इसराइल को भी अलग थलग करना नहीं चाहता, क्योंकि मिस्र का इसराइल के साथ कहीं ना कहीं आपसी हित जुड़ा हुआ है और वो इस क्षेत्र में राजनीतिक इस्लाम का पुनरुत्थान भी नहीं चाहता। मिस्र ऐसा इसलिए भी चाहता है क्योंकि इस्लामी संगठनों के बारे में मिस्र के पुराने अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। हालांकि मिस्र और इसराइल के बीच संबंधों को काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको बता दें 1959 में मिस्र ने इसराइल के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और पिछले दशक में इसराइल ने खुद को मिस्र के एक प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक भागीदार के रूप में स्थापित किया था। वही अगर हम गाजा की बात करें तो गाजा के साथ मिस्र की भागीदारी की भी कुछ सीमाएं तय है जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फिलिस्तीनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसराइल के खिलाफ मिस्र की कोई सैन्य भागीदारी नहीं होगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसराइल और मिस्र के बीच 1959 में एक शांति समझौता हुआ था जिसके चलते मिस्र इसराइल के लिए भी प्रतिबद्ध है। अब बात करते हैं कि अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें मिस्र का क्या रोल है। युद्ध शुरू होने के बाद से मिस्र गाजा में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काफी काम कर रहा है। इसके साथ ही मिस्र इसराइल, हमास, फिलिस्तीनी प्राधिकरण, अमेरिका, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के साथ लगातार बातचीत भी कर रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि इस सप्ताह के अंत में मिस्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने की भी उम्मीद है। दूसरी ओर मिस्र गाजा पट्टी में भोजन और दवा की डिलीवरी के लिए एक मानवीय गलियारा स्थापित करने की भी मांग कर रहा है। आखिरी में बात करते हैं कि मौजूदा संकट के कारण जो स्थिति बनी हुई है उसमें मिस्र कैसे प्रभावित हो सकता है। मिस्र गाजा वासियों को बड़ी संख्या में सीमा के पार करने की अनुमति देने के खिलाफ है, क्योंकि वो सिनाई प्रायद्वीप में अपनी संप्रभुता पर किसी भी अतिक्रमण का विरोध करता है। इसकी प्रमुख चिंता ये भी है कि विस्थापित फिलिस्तीनी उसके क्षेत्र में स्थायी निवास स्थापित कर सकते हैं, जो संभावित रूप से पहले ही नाजुक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को और अधिक कमजोर कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, मिस्र को इस बात का भी डर है कि फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह द्वारा सिनाई से इसराइल में आतंकवादी गतिविधियां शुरू की जा सकती है, जिससे इसराइल और मिस्र के बीच नाजुक संबंध खतरे में पड़ सकते हैं। तो इन कुछ मुख्य कारण की वजह से मिस्र इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।